धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अगर एक बात दावे से आपको कहूं कि आप लोग संचार क्रांति के दौर में जी रहे हैं, हर तरफ आपके मीडिया ही मीडिया है, लेकिन सच ये है कि आपके पास सूचनाएं नहीं, आपको खबर असल मिल नहीं रही है, जिसे देख कर आप समझ पाए कि हो क्या रहा है। ऐसी ही खबर से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। बार बार फिर कहूंगा कि धाकड़ खबर प्लेटफॉर्म तो भले ही छोटा सा हो, लेकिन मुद्दे बहुत बड़े आपके सामने रखता है। बिपिन रावत जी का नाम जानते होंगे, हमारे सेना के पूर्व प्रमुख हैं और फिलहाल वर्तमान में देश के अंदर वो CDS हैं। उन्होंने कोई ड्राफ्ट तैयार किया, उस ड्राफ्ट के मुताबिक ये है कि जो सेना के जवान हैं उनको अब रिटायरमेंट के लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, मतलब उनकी अब नौकरी की समय सीमा जो है बढ़ा दी गई है। साथ ही उनकी पेंशन को लेकर भी कुछ कहा जा रहा है, पेंशन घटा दी गई है या बढ़ा दी गई है, तो टेक्निकल चीज़ है। समझने के लिए क्या करते हैं, चलते हैं सेना की तरफ ही। तो हमारे साथ एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन रह चुके, यानी कि कर्नल रैंक के जो ऑफिसर हैं, मिस्टर के, यानी कि कृष्णकांत जी, उन्हीं से समझेंगे कि CDS जो बिपिन रावत ने ड्राफ्ट तैयार किया, इस पर विवाद क्यों हो रहा है और इस ड्राफ्ट की ज़रूरत क्या थी। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। तो ये बताऊं कि पेंशन तो बढ़ने से रहा, वन रैंक वन पेंशन की मांग अभी तक फौजियों की पूरा नहीं हुई। 4 दिसंबर को यह 2000 दिन पूरे हो जाएंगे। यह संघर्ष जारी है, हालांकि यह संघर्ष पहले के मुकाबले बहुत ही कमजोर पड़ चुका है, हमें मानना पड़ेगा, और जो भी कारण रहा हम उसमें नहीं जाएंगे। आज का हमारा मुद्दा अलग है। और यह पेंशन जिसमें सरकार और खासकर जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है वह बहुत चिंतित है। यहाँ तक कि जो हम लोग कहते हैं बाबू लोग, यानी जो ब्यूरोक्रेसी है, IAS IPS और जितने भी हैं, वह भी बहुत चिंतित हैं कि डिफेंस बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा 25-30% हम लोग पेंशन के नाम पे खा जाते हैं। हालांकि वह भी गलत है, इस डिफेंस बजट में जो 25 लाख जो रिटायर्ड फौजी जो जीवित हैं, उनकी विधवाएं हैं या जो विकलांग हैं, उसमें 5 लाख वह डिफेंस सिविलियंस है, जो कि एक खास हिस्सा उसका खा जाते हैं। और जो भी कहें, वो डिफेंस का हिस्सा कहें ना हिस्सा कहें, लेकिन वह सिविलियन है जो भिन्न भिन्न विभागों में बैठे हुए हैं। और वह भी बाय द वे, वह भी अलोंग विथ जो हमारे जिन बाबू की हमने चर्चा की है, बाबू डम की चर्चा की है, और जो राजनीतिज्ञ है, कॉरपोरेट वर्ल्ड है, वह सारे के सारे हमारे खिलाफ है। मुद्दा एक ही है कि हम बहुत बड़ा हिस्सा, हालांकि अभी मैं तुरंत अभी डेटा देख रहा था, जो स्टैंडिंग डिफेंस कमेटी है उनकी मांग थी आज से 2 वर्ष पहले ही कि उसे 3% किया जाए, जो कि 2.5% था, और इस सरकार ने उसे घटा के GDP का 2% कर दिया। तो इस पर हम और भी आगे जो चर्चा आएगी आपके सवालों और हमारे बातचीत वाली चीजों को समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं जो समझना चाहता हूँ कि बिपिन रावत जी क्या ड्राफ्ट तैयार किए हैं, वो थोड़ा आप अगर ब्रीफ कर सकें। सेना के जो प्रमुख अभी चुने गए हैं, या एक नया मतलब पद आया है, और इनकी कोशिश रही है कि सरकार को खुश करें, वह तो नजर सबको आ रहा है। और इसके दौरान इन्होंने जो कॉरपोरेट वर्ल्ड और सरकार की जो इच्छा थी कि डिफेंस बजट कम किया जाए, और उनकी नजर हालांकि बहुत जगहों पे है, यहाँ भी रहा है कि जो अफसर टूर और ड्यूटी पे जाते हैं उनका घटाया जाए, होटल में ना ठहरे, साधारण से जगहों में ठहरे, हर जगह उनकी कटौती कमी की गई है। हमारा जो CSD जो कैंटीन उस पर घटाया गया है, ECHS यानी जो रिटायर्ड फौजियों को जो दवाइयां जो मिली थी उसमें कमी कटौती की गई है। यहाँ पे जो ड्राफ्ट आया है, ड्राफ्ट में यह कहा गया है, एक तो आपने जैसा कहा कि उन सैनिकों के, खासकर अफसरों के सेवा बढ़ाई जाए जो कि डायरेक्टली बैटल से नहीं है, यानी जो आर्म सर्विसेज कहते हैं उससे नहीं है, जो सर्विसेज में है उसमें है। सर्विसेज जैसे सिग्नल्स हो गए, राशन सप्लाई वाले, लॉजिस्टिक वाले, वो लोग हो गए, इन लोगों की सर्विसेज बढ़ाई जाए, यानी जो रैंक हिसाब से जो 52 साल में रिटायर कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल, उसको बढ़ा के 56 साल किया जाए, ब्रिगेडियर वगैरह के 57 साल किया जाए, मेजर जनरल वगैरह के 58 साल की जाए, यानी 2-4 वर्ष, और उसमें JCOs की भी सर्विसेज बढ़ाई जाए, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और उसमें जो सर्विसेज जो लड़ने वाले में हैं, जो इन्फेंट्री के हैं, तोपची विभाग जो कहते हैं, यानी आर्मर्ड कोर के जो है, आर्टिलरी जो है, तोपची सॉरी टैंक वाले हैं, और आर्टिलरी जो है सो वह जो है सो की इसके हैं दूसरे वाले, तो खैर इन लोगों के
सर्विसेज नहीं बढ़ाए गए और सबसे घाटे में जवान रहे हैं। जवानों के सर्विसेज खासकर जो लड़ाकू दस्ता जो जिन इन तीन विंग की और चार विंग के जो आर्मर्ड कोर वगैरह की बात की, पैदल सेना की जो बात की, उनके वही की वही रह गए, यानी 17-18 साल से 20 साल तक है, उन्हें भी प्रमोशन नहीं मिला तो उनका कहीं से भी नहीं बढ़ा, ना ही उनका पेंशन बढ़ा। साल तक है उन्हें भी प्रमोशन नहीं मिला तो उनका कहीं से भी नहीं बढ़ा, ना ही उनका पेंशन बढ़ा। अब जहां तक पेंशन की बात है, जी पेंशन पे आएंगे, जी एक सेकंड, पेंशन पे आएंगे, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले आपको आंकड़ों के हवाले से क्या कुछ ऐसा बता सकते हैं कि अगर 100 जवान हैं तो उसमें से जवानों को अगर फीसद के हिसाब से आप निकालें तो कितने फीसद जवानों की जो ये समय सीमा रिटायरमेंट की बढ़ाई जा रही है, कितने फीसद वो जवान होंगे और कितने फीसद नहीं होंगे? ये बहुत सही प्रश्न है। हमारे सब जवान इसको तो जानते हैं, फौजी जानते हैं। हाँ, जो फौजी नहीं है उनके लिए थोड़ा ये कठिन होता है जी। तो ये जो सहायक रूप में जो आते हैं, हालांकि उनका रोल कम नहीं है, उनके रोल को मैं कम नहीं अंकित कर रहा हूं, और वही हालत एयरफोर्स और नेवी में भी है, लेकिन ये लोग करीब 3-5% है। और जो वास्तव में जो लड़ने वाले हैं, जो आगे बढ़ के लड़ते हैं, वह करीब 95% है। ठीक है, और इसलिए मुख्य रूप से उनका सेवा नहीं बढ़ा। कारण है, मान लीजिए जो जवान जो फ्रंट पे जाके लड़ता है, जो 18,000-20,000 फीट पे जाके भी हाल फिलहाल में जो लेह लद्दाख में या 12,000-14,000 फीट से जो ऊपर जाके लड़ता है, एक्लिमेटाइजेशन के लिए जहां उसको 3-3 महीने 6 महीने लग जाते हैं एक लड़ने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन का की कमी है, हवा का दाब कम है और बहुत सारे ठंड बहुत है, जो हम -20-25 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल हो जाता है, साधारण आदमी की बूते की बात नहीं है। और वही जवान 40 वर्ष के बाद से उसकी कॉम्पिटेंसी घट जाती है, किसी को भी समझ दे कि चाहे भारतीय सेना हो किसी भी सेना को, कॉम्पिटेंसी घट जाता है, वो नहीं लड़ पाएगा उसी अंदाज में जो पहले लड़ सकता था। ठीक है, तो ऐसे तो अब यहां की सेवा, जी तो ऐसे में यहां सवाल ये पैदा होता है कि इसके नुकसान और फायदे क्या हैं। मान लीजिए जिन लोगों का बढ़ रहा है उनको क्या फायदा है या क्या नुकसान है, जिन लोगों का नहीं बढ़ाया जा रहा है समय सीमा रिटायरमेंट की, उन लोगों को क्या नुकसान और क्या फायदे, ये भी बताइए। जिनका नहीं बढ़ाया जा रहा है, हालांकि बढ़ाया जा सकता था, अब जो मान लीजिए कि जो लड़ने वालों में से हैं जिनकी उम्र रिटायरमेंट एज नहीं बढ़ाया जा रहा है, उनके हम साइड में उनको हम स्टैब्लिश कर सकते थे, या बहुत जमाने से हमारी जो मांग है कि रिटायरमेंट के बाद से इन्हें आप वैसे सेवा में सरकार लगाए जहां ये बाहर काम कर सकते हैं, यानी बिना माई बाप के नहीं रह जाए। और दूसरे वन रैंक वन पेंशन की तो यही तो मांग थी कि आप 20 साल के बाद उसको रिटायर करते हैं और उसका पेंशन जो है, और उसके बाद से आज से 10, और यही चीज ध्यान रखें, मैं बोलना चाहूंगा हमारे वैसे सुनने वालों को जिनको सैनिकों की जिंदगी से सीधा मतलब नहीं है, जरूर इज्जत करते हैं लेकिन सीधा समझनी है, आप 40 साल की उम्र में रिटायर करते हैं, ठीक है, आपके बच्चे किस क्लास में पढ़ते होते हैं, मान लीजिए 20 साल में भी शादी, 20 साल में किसी की आजकल शादी होती है, 25 साल में होती है शादी और 2-3 साल बाद बच्चे पैदा होते हैं, तो आपके बच्चे 12-13 साल के होंगे, यानी 6 साल से जाते हैं तो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं अभी तो इस कॉलेज का चेहरा नहीं देखा। बिल्कुल, ऐसे समय में इस दौरान रिटायरमेंट के पहले भी ये लोग फॉरवर्ड पोस्ट पे रहे हैं, एयरफोर्स आर्मी एयर नेवी सब के रहे हैं, अपने फैमिली के साथ नहीं रहे। जब बच्चे को जरूरत होती है, केवल माँ अकेले तो यार वो जो करना होता है वो बिचारी करती है, इनकार नहीं है, लेकिन उस समय बाप का साया नहीं है, आप स्कूल के भरोसे छोड़ देते हैं। और वैसे सिविलियन से आप तुलना करते हैं जो कि जिंदगी भर अपने बच्चों के साथ रहे, उन्हें खास शिक्षा दी है, उनको खास एक सांस्कृतिक उसका एक आधार दिया, यहाँ पे सारा मिसिंग है। और इसके कारण जब वन रैंक वन पेंशन कहते हैं तो कहते हैं कि नहीं, सारा बाबूडम, सारा पॉलिटिकल, सारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड से खिलाफ आ जाता है, आप उसका विरोध करना शुरू करते हैं। तो अब हम आते हैं जो आपने प्रश्न उठाया था, तो ऐसे सैनिक जो कि लड़ाकू रहे हैं जिस भी अंग में रहे हो, और आप 40 साल 45 साल की उम्र में, 45 साल नहीं होता 40 साल की उम्र में आप रिटायर कर देते हैं, उनको वन रैंक वन पेंशन नहीं देते हैं, उनको रिहैबिलिएट नहीं करते कहीं बाहर में, यह तो गजब की नाइंसाफी है। उसके बाद आप कहते हैं कि आपने यदि 20 साल के सर्विस में, हालांकि यह जो पेंशन पे कहते हैं बाद में आएंगे, तो मुख्य मुद्दा यह है कि यह जो है सो उन लोगों के लिए किया गया है और उनकी स्थिति बढ़ाई गई है, और वो भी जो रिटायर कर रहे हैं, वो कारण क्या है, वो पेंशन की स्कीम पे जब आएंगे तब इस चीज को हम समझेंगे।
वो पेंशन की स्कीम पे जब आएंगे तब इस चीज को हम समझेंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं जिन लोगों का बढ़ा दिया गया है तो उन्हें कुछ और दिन अच्छी खासी तनख्वाह सैलरी मिल जाएगी, परिवार का गुजर बसर अच्छा हो जाएगा। लेकिन सोचिए जिसे 40 साल की उम्र में रिटायर करके उसके घर भेज दिया, अब वो अपना परिवार कैसे चलाए क्योंकि उसको आगे कहीं जॉब तो मिल नहीं रही है। पूरा सिस्टम आपको पता ही है कैसा क्लैप्स हो चुका है। अब बात करते हैं पेंशन को लेकर। तो पेंशन जब सरकार कह चुकी है वन रैंक वन पेंशन दे ही दिया सबको, तो पेंशन वाला मुद्दा ड्राफ्ट में आया ही क्यों? हाँ, ये भी बढ़िया सवाल है। इन लोगों ने ये किया है कि जो मतलब इन्होंने बढ़ाया है अफसरों का जिसका भी, तो उन्होंने कहा है कि जो भी अधिकारी 20 से 25 साल की सेवा के बाद से जी सिविल में इसको VRS कहते हैं और फौज में इसको प्री मैच्योर रिटायरमेंट कहते हैं, जो हम अप्लाई करते हैं उसके बाद से रिटायरमेंट मिलता है, ठीक है, और 20 साल के सर्विस के बाद करने के बाद से जो भी हो JCU जो भी हो जवान हो या जवानों का 15 साल था उसको पूरा का पूरा पेंशन मिलता था, यानी उसके जो बेसिक पे या जो भी पे है उसका आधा मिलता था। सबको मालूम है हालांकि 1973 वगैरह में कहते हैं कि 70% मिलता था, अभी हम उसमें ना जाए, लेकिन 50% मिलता जो सिविलियन को मिलता है। सिविलियन को उस समय पहले 30% मिलता था, हम लोग को ज्यादा मिलता था, घटा के 50% लाया गया। यानी मान लीजिए कभी 20,000 रुपया अभी रिटायर होते हैं तो मिलता है, लेकिन अब सरकार ये कहने वाली है, मतलब यदि ड्राफ्ट मान लिया गया तो 20 से 25 साल तक की सेवा के बाद से आप जाएंगे तो आपका पेंशन केवल 50% मिलेगा, जो मिल रहा है उसका 50%। यानी आपको यदि 20,000 मिलता था तो आपको 10,000 मिलेगा। 25 से 30 तक वालों को 60%, 30 से 35 वालों को 75 और 35 से ऊपर जाने वालों को पूरा 100%। अब देखिए इसमें चालाकी कैसे गड़बड़ हुई, यानी आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा, आप रिजिग्नेशन भी करते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। यह 90 के ही दशक में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, वर्डिक्ट था, आदेश ने मतलब वर्डिक्ट था कि कोई भी जवान ऑफिसर या कोई भी सरकारी कर्मचारी यदि रिटायरमेंट लेता है, रिटायरमेंट मांगता है प्री वॉलेंटरी जो करता है समय से पहले जी, उसको यह दे सुविधा ना दे यह सरकार के हाथ में, सरकार ना भी कर सकती है, हाँ भी कर सकती है, फौज में तो बहुत स्ट्रिक्ट है, ना कर दिया तो ना हो गया। लेकिन एक बार रिटायर हो गया तो उसको पेंशन दे कि ना दे यह सरकार के हाथ में नहीं है, यह उसका मूलभूत अधिकार है। इस चीज को हमें समझना होगा, रिटायरमेंट के बाद पेंशन जो है केवल उसके रिहैबिलिटेशन के लिए नहीं है कि भाई तुमने हमारी सेवा की है तुम जाओ, हमने तुमको दान दिया तुम जियो। कहते हैं कि यह वेतन का ही हिस्सा है जो कि अब कम है जी, वह वेतन अब कंटिन्यू कर रहा है, तुमने 20 साल 25 साल 30 साल जो भी नौकरी की अब तुम रिटायर हो गए हो, वह वेतन जो है कुछ रिड्यूस करके या जितना भी रिडक्शन हो वह एक खास नियम के हिसाब से, अभी हमारे लिए 50% है वो वहां पे है। अब यह सरकार या CDS कहना चाहते हैं कि अब तुम यदि 20 साल में छोड़ोगे या 25 साल में छोड़ोगे तो तुम्हें जो मान लीजिए कि 50,000 मिलता था एक ऑफिसर को, लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक पर जाता है 20 साल में या विंग कमांडर या कमांडर नेवी में होता है, अब तुम्हें केवल 25,000 मिलेगा। और इसका असर देखिए क्या होगा, मैं थोड़ा सा बोल दूं, बता दीजिए। वन रैंक वन पेंशन की हमारी मांग है, बहुत हमने मांग की, बहुत जोर लगाया, सरकार हमसे नाराज है, हम बार बार भंडा फोड़ते हैं सरकार की, भाई तुम झूठ बोल रहे हो जी। अब वह जो है आज मैं रिटायर करता हूं तो मेरा जो हमसे जो पहले 10 साल पहले के तुमको 50,000 मिलता था, अब मेरे को मान लीजिए कि 60,000 मिलता, लेकिन अब घटा के 30,000 मिलता। अब सरकार कहेगी कि जो 50,000 मिलता था वन रैंक वन पेंशन दिया, यानी 50,000 वाले का आज के बराबर कर दे वो घट के 30,000 हो जाएगा। आप समझे इस बात? समझ रहा हूं। तो ये तो यदि यह चीज आता है, हालांकि ये होगा नहीं क्योंकि ये तो बहुत ही हंगामा हो जाएगा, हो सकता है ये कुछ दिनों के लिए हो सुप्रीम कोर्ट में, लीगली यह मान्य नहीं है जैसा हमारे बाकी साथी कह रहे हैं, तो ये जो हंगामा सरकार के हाँ हाँ ये गलत हुआ है, फौजियों की मांग हमने फौजियों के मांगे मांग ली, यानी पुरानी आदत, पेट्रोल की कीमत 20 रुपए से बढ़ा के 30 रुपए कर दी, हंगामा हुआ तो उसको घटा के 25 कर दी, और सरकार जो है सो बहुत जनता के लिए उसने ये सब कर, मतलब मैं ऐसे कहूं ठीक है, मतलब मैं ऐसे कहूं एक एग्जांपल देसी वाला दे देता हूं, आपको भी पसंद आएगा, कि जम्मू कश्मीर में आजकल हंगामा मचा हुआ है कि 370 को वापस लाएंगे, तो 370 तो वापस होगा नहीं, जो उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया है उससे उसको वापस पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे, मामला खत्म। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही,
बहुत सही। तो सीडीएस का ये प्लान जो है, जी सरकार का ये जो प्लान जो है, हम्म, यह बहुत ही बदमाशी भरा है और पूरे फौज के लिए पहले ही वन रैंक वन पेंशन नाम मोड़ने से डीमोरलाइजिंग था। 90 के दशक में, मैं तो खैर बहुत पहले, उसके भी पहले का हूं, 90 के दशक में भी जो सेना में आते थे, किसी भी रैंक में आते थे, एक शान के साथ आते थे, जरूर था नौकरी के लिए थे, लेकिन उसके बाद जब वो पास आउट होते थे, उनको रैंक जब मिलता था, उनको एक गर्व महसूस होता था कि भाई हम फौज में हैं और हम देश के लिए हैं। और वो मतलब एक डिसिप्लिन ही नहीं, एक ट्रेंड ही नहीं, एक डिफरेंट जीवन ही नहीं, बल्कि देश भावना, एक देश प्रेमी थे। ठीक है, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, अगर पैसा कम हो जाएगा या जो रिटायरमेंट की समय सीमा नहीं बढ़ेगी, तो क्या देश प्रेम नहीं रहेगा क्या जी? अब क्या पैसे के लिए काम करेंगे क्या? क्या समय सीमा बढ़ने पे ही काम करेंगे? ये प्रश्न बिलो द बेल्ट है, लेकिन मैं इसका थोड़ा घुमा के आंसर दूंगा। हाँ दीजिए। देखिए, हाँ देश प्रेम तो है, वो देश प्रेम निश्चित रूप से है, और लेकिन देश प्रेम के साथ साथ ही ये तो मानना पड़ेगा हमारे जानने वालों के लिए कि हमारे बराबर जो शिक्षक भी हैं, जो आईएएस आईपीएस को छोड़ दियो तो बड़े चीज हो गए हैं, जो एमएलए एमपी हैं, दो दो बार एमएलए बनते हैं, उनको दो बार का पेंशन मिलता है, पूरा का पूरा पेंशन मिलता है, मरने के बाद उनको पत्नी को भी पूरा का पूरा मिलता है, जिंदगी भर मिलता है। हमने जब इतनी मेहनत की है और हमने ऐसी ऐसी हालतों में लड़ाइयां लड़ी है, हम मरने को भी तैयार है, मरते भी है, और तब आप कहिए कि हमारा पेंशन, हमारा पे तो खैर जो है सो है ही है, पेंशन भी उनके तुलना में आधी रह जाए, और आप हमें दंडित कर रहे हैं, और सारा का सारा जो खर्च जो डिफेंस पे हो रहा है वो बढ़ाने के बजाय उसको घटा रहे हैं, और सारा सरकारी खर्च जो हो रहा है, आप एक तरफ जो है इंडिविजुअली पहले देखा जाए तो 4-3 जो वीआईपी हैं उसमें करोड़ों करोड़ खर्च करते हैं जी, प्राइम मिनिस्टर के हवाई जहाज आता उतना खर्च कर रहे हैं जी, है ना, वो हर चीज पे खर्च आप बेतहाशा बढ़ा जा रहे हैं जी। यहाँ सैनिकों के जूतों की बात आ रही है जी, उनके वर्दी की बात आ रही है, विंटर के लिए जहां जाने के बाद उसकी तैयारी नहीं है, या तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पहले ही बोला हुआ है कि हमारी कमी में, हमारी तैयारी में कमी थी, और वहां पे आप पे और पेंशन के नाम पे ये कीजिएगा, केवल यह वेतन की कमी नहीं है दोस्त, यह हमारी इज्जत में भी साख है, बट्टा है। ठीक है, ठीक है, ये आपकी इज्जत में भी शाख है, बट्टा है, दो चीजें आप पहले क्लियर कर चुके हैं कि ये कोशिश है जो लाल फीताशाही यानी कि बाबूगिरी जो होती है उनकी पैसा बचाने की, सरकार को खुश करने की, और दूसरा आप कह चुके हैं कि सीडीएस का जो एक कदम है वो भी सरकार को खुश करने का, लेकिन आपने साथ में इसमें जोड़ा कि जो कॉरपोरेट हैं वो भी इसमें शामिल हैं, उनको भी बड़ा चिढ़ता है आपकी पेंशन। लेकिन सीडीएस के इस कदम को एक लाइन में अगर एक फौजी के नाते आप संक्षेप में बताना चाहें तो इस कदम को क्या कहेंगे फौज के लिए? यह बिल्कुल गैर मतलब सैनिक विरोधी है, बिल्कुल सैनिक विरोधी है, और मतलब शब्दों का मैं इस्तेमाल अभी जोश दिलाया लेकिन मैं थोड़ा शांत होकर कहना चाहूंगा, वैसा नहीं कहना चाहूंगा कि सीडीएस ने हमें मतलब बेच दिया इस सरकार को और उस सरकार को जो कि केवल कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए काम कर रही, गलत काम उन्होंने किया, उन्हें इस कदम को वापस ले लेना चाहिए, जो भी हो वो चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं, इसके ऊपर उनका कुछ होने वाला नहीं, अधिक से अधिक रिटायरमेंट बाद क्या होगा, राज्यसभा के फिर मेंबर बन जाएंगे, मेरे नजर में राज्यसभा का मेंबर सीडीएस या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ऊपर का इज्जत वाला जहां कहें और पूरे देश के लिए कहें तो महत्वपूर्ण पोस्ट नहीं है। बहुत सही, पहुंच चुके हैं, उन्हें इसे खारिज कर, बहुत सही आपने लाइन कही है, लेकिन अब तो स्थिति ये हो चुकी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहने के बाद लोग राज्यसभा में चले जाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायरमेंट के बाद भी लोग उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरह ही पेश आते हैं और उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन जब राज्यसभा पे बैठ जाएंगे तो पता चला सत्ता और विपक्ष वाले कभी भी कोई टिक्का टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन अब ये चलन बन गया 2014 के बाद से। आप देखिए जनरल बीके सिंह को रिटायरमेंट के बाद एक सांसद बने बैठे हैं और मंत्री भी कभी फुल फ्लैज नहीं बन पाए, राज्य मंत्री बना के उनको बैठा रखा है, लेकिन बैठे हैं वो। तो आप ये जो कह रहे हैं स्टैंडर्ड की, वकार की, स्तर की बात मुझे लगता नहीं है, वो बाकी रह गई, लेकिन आपने जो कहा उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। हालांकि बातचीत जो हमने की है बहुत सारे लोगों की अभी भी समझ में नहीं आई होगी, कुछ और तरीके से एक बातचीत फिर से आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसा जटिल मुद्दा है, आपको ये वाली पत्रकारिता समझने की अकल तो है नहीं लोगों को, आपको तो वही चाहिए, इस नेता ने ये बोल दिया पलट के उस नेता ने वो बोल दिया, इससे ज्यादा का राजनीतिक ज्ञान रखना भी नहीं चाहते हैं लोग,
पर बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, फिर कोशिश करेंगे और बारीक सारे पहलुओं को आपके सामने रखने की। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपसे मिलेंगे फिर दोबारा।